हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एजुकेशन के 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी उनको हम डिस्कस करते हैं। ये नेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। नेट एजुकेशन के हैं ये 2012 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड दिस, एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ये किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य का निर्माण करता है या वह है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बुद्धि का विस्तार होता है और उस जिसके द्वारा मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन विवेकानंद का है। आप पढ़ेंगे तो ये सब स्टेटमेंट्स कुछ ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन है जिसमें कि स्टेटमेंट किसी का दिया हुआ है, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, इसमें लिस्ट में लिस्ट वन और लिस्ट टू में इधर ऑथर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी एंड बुद्धिज्म एक फिलोसफी है, तो इसमें हमें मैच कराना है लिस्ट टू से। तो टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी, बुद्ध, इधर है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक, योगा एज ए मेथड ऑफ एजुकेशन, द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा, तो अब हम देखेंगे, मैच कराएंगे। तो टैगोर, टैगोर का किससे मिल रहा है? टैगोर, चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक, क्योंकि वो टैगोर जो थे वो बच्चों को स्कूल में बंद करके रखना नहीं चाहते थे, किताबों से बांधना नहीं चाहते थे। उनका आप सिद्धांत पढ़ेंगे, उनकी फिलोसफी पढ़ेंगे, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। सारा फिलोसफी आप पढ़ेंगे तो आपको इन सबके बारे में बहुत कुछ याद हो जाएगा। विवेकानंद का क्या मानना था? विवेकानंद का मानना था योगा, वो शारीरिक फिजिकल फिटनेस पर बहुत जोर देते थे, वो बॉडी बिल्डिंग और इस पर ज्यादा ही महत्व देते थे, ताकि वो अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, फिर शिक्षा अच्छे से प्राप्त होगी। महात्मा गांधी का विचार था हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो महात्मा गांधी का हो गया हार्मोनियस, और बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ये कर्म पर विश्वास करता था, इसलिए हमारे ये इसका चारों मैच कर रहा है बी में, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स रिलेशन टू मैन एंड गॉड इज डिस्कस्ड इन, पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, यूनिवर्स संसार का निर्माण और इसका मनुष्य और इसका रिलेशन टू मैन एंड गॉड, भगवान और मनुष्य से जो डिस्कस किया गया है किसमें किया गया है? उसका डिस्कस मेटाफिजिक्स में किया गया है। तो मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स जो है वो फिलोसफ, पहले तो इसको टिक कर लें, मेटाफिजिक्स जो है ना वो हमें क्या बताता है? इसका आंसर है मेटाफिजिक्स, वो बताता है, वो फिलोसफी का वो एरिया है जो किससे डील करता है, जो कि किस तरह का मनुष्य का एग्जिस्टेंस है, क्या सच्चाई है और क्या नॉलेज है, इसके बारे में बताता है। तो ये मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स से ही भगवान और मतलब ये संसार का निर्माण और उसका मनुष्य और भगवान से जो रिलेशन है ये मेटाफिजिक्स में डिस्कस किया गया है। एथिक्स क्या बताता है? एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। एपिस्टेमोलॉजी क्या बताता है? यह
दर्शन की एक शाखा है जिसे ज्ञान के विषय में जाना जाता है। क्रिस्टिनोलॉजी में हम ज्ञान के बारे में जानते हैं कि ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका विकास कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जब हम जानते हैं नॉलेज के बारे में, तो इसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एथिक्स हमें अच्छा बुरा का ज्ञान देता है और मेटाफिजिक्स हमें बताता है एक हमारे अस्तित्व के बारे में, क्या सच है और ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में और इस सृष्टि के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स एजुकेशन, चर्च, स्टेट, स्कूल और लाइब्रेरी। तो आप हमेशा से मान के चलेंगे कि एजुकेशन जो है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट का इसमें अथॉरिटी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर स्टेट में स्कूल का सिस्टम या वहाँ का जो ये है टीचर्स के रिटायरमेंट का एज वो स्टेट डिसाइड करता है। जैसे झारखंड में 65 इयर्स है प्रोफेसर्स के रिटायर होने का, तो कर्नाटका में 62 इयर्स है, तो कहीं पर 60 इयर्स ही है। तो ये सारा कुछ स्टेट पर डिपेंड करता है, तो इसे हम स्टेट मैटर भी कहते हैं। ये राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं। अगला है, फिर देखो स्टेटमेंट आ गया, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन इज टू बी मेजर्ड नॉट बाय इट्स मटेरियल पावर एंड वेल्थ बट बाय इंटरकल्चरल रिलेशनशिप ऑफ इट्स पीपल। हु सेड दिस, मतलब किसी भी देश की महानता उसके मटेरियल पावर जो मटेरियलिस्टिक मतलब वस्तु और धन और ये सब नहीं मापा जाता है, वेल्थ से नहीं मापा जाता है, बल्कि आपसी सांस्कृतिक संबंध कैसा है यहाँ के लोगों का। विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो इनका आपसी संबंध और तालमेल कैसा है इससे पता चलता है। तो हु सेड दिस, ये किसने कहा था, तो ये राधा कृष्णन का स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन को आप सब जानते हैं, उनके नाम पर टीचर्स डे हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्पेसिफाई मैक्स वीबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए मैक्स वीबर का मानना था कि एजुकेशनल स्टेटस पर उन्होंने नहीं कहा था, उनका कहना था कि मनुष्यों को उच्च पद जो दिया जाए तो वह इनकम वेल्थ पॉलिटिकल इनकम वेल्थ के आधार पर दिया जाए। तो उनका मानना तो ये इसमें इनकम वेल्थ पॉलिटिकल पावर और सोशल प्रेस्टीज पर उन्होंने कहा कि मनुष्य को मतलब लोगों को उच्च पद दिया जाए, उन्होंने एजुकेशनल स्टेटस को नहीं दिया था इंपॉर्टेंस। इसलिए इसमें इस आंसर होगा कि डज नॉट स्पेसिफाई एजुकेशनल स्टेटस, उन्होंने इनकम वेल्थ मतलब धन संपत्ति राजनीतिक पावर और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर लोगों को उच्च स्तर और निम्न स्तर पर स्तरीकृत किया था, स्तर में बांटा था। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर थे एक सोशियोलॉजिस्ट। इफ रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन हेल्प इन लर्निंग को रिलेशन और रिग्रेशन देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मान लीजिए कि ये जो भी गुणा करने का रूल है वो हमें कोरिलेशन सा संबंध और रिलेशन में विचलन में मदद करता है, तो इस किस चीज का एक रिग्रेशन में मदद करता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में, तो ये किस चीज का एक एग्जांपल है। तो पहला है सीक्वेंशियल ट्रांसफर। सीक्वेंशियल ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक पार्ट को पहले सीख लें तब अगला पार्ट सीखें, मतलब पार्ट बाई पार्ट, मतलब नेक्स्ट सीखने के पहले उसके पहले एक वन पार्ट का टास्क का वन पार्ट सीखें फिर नेक्स्ट सीखें फिर नेक्स्ट सीखें, इस तरह। और एग्जांपल ट्रांसफर क्या होता है कि जो हम एक चीज एक को सीखते हुए दूसरा चीज को सीखने में मदद करता है, जो उसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। और नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, जब एक चीज को हम सीख लेते हैं तो दूसरे चीज को सीखने में हमें दिक्कत होती है, जैसे अंग्रेजी टाइपिंग सीख लेने के बाद हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होती है। और वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है कि एक चीज को सीखकर हम दूसरा चीज आसानी से सीख पाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन जो है हमें कोरिलेशन और रिग्रेशन में मदद कर रहा है, तो ये क्या है, क्षैतिज ट्रांसफर है, ठीक है, ये समानांतर ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि एक चीज की मदद से हम दूसरे चीज को सीख पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा
हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब आसान ही आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अब है कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग, अब लेटेंसी पीरियड, एनल पीरियड, पैलिक पीरियड, इसमें से तीन पीरियड उन्होंने बताया। लेटेंसी पीरियड को हम विलंब समय भी कहते हैं, इसका समय होता है 7 से 7 ईयर्स से लेकर मिनट। लेटेंसी पीरियड 7 ईयर्स से युवावस्था तक होता है, तो सेम 7 से 19 ईयर्स 18 ईयर्स मान सकते हैं 7 से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट जगता है। एनल पीरियड क्या होता है, ये सेकेंड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज माना जाता है, ये सेकेंड स्टेज माना जाता है। और यहाँ पर जो भी होता है, बच्चे जो होते हैं वो और ये फैलिक एसिड, फैलिक पीरियड जो है इसको थर्ड स्टेज कहते हैं, ये 3 to 6 ईयर्स होता है, ठीक है। तो सुपर ईगो कब डेवलप होता है, सुपर ईगो डेवलप होता है लेटेंसी पीरियड में, ठीक है, जब आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट जगता है, बच्चों का जब जगता है तो उसे लेटेंसी पीरियड कहते हैं। विच रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन अनकॉमन एरिया ऑफ द ब्लड, इट इज डिनोटेड बाय योर ब्लड से, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है, ब्लड से आप जो मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा, इंक ब्लड टेस्ट, रोशा का जो इंक ब्लड टेस्ट होता है पर्सनैलिटी के थ्योरी में, उसमें जो कार्ड्स दिखाए जाते हैं, 10 कार्ड दिखाए जाते हैं, तो 10 कार्ड में जो जो हम निकालते हैं, तो कंक्लूजन इट इज बेस्ड ऑन कि किस तरह का होता है, तो इसमें क्या है कि जब हम रिस्पॉन्स को बेस करके एस जब आता है तो हम उसको बोलते हैं विरोधी टाइप का, वो उसका रिस्पॉन्स जो आता है वो असहयोगी होता है, वो व्यक्ति असहयोगी होता है, उसका पर्सनैलिटी को हम लोग करते हैं तो वो असहयोगी टाइप का होता है, जिसका डी डी आता है ये, तो वो कुसमायोजित होता है, मतलब क्या होता है कि वो व्हाइट पोर्शन को, अनकॉमन एरिया को, ब्लड को जब देखता है तो उसे डी, उसे असामान्य, और डी डब्ल्यू जो होता है वो व्हाइट एरिया पर ज्यादा ये करता है, और डी डी डब्ल्यू जो होता है वो आसपास के वातावरण से जुड़ा होता है, तो हमारा जब रिस्पॉन्स अनकॉमन एरिया से जो जुड़ा होता है, ब्लड के अनकॉमन एरिया से, तो उसे हम डी डी से डिनोट करते हैं, तो अनकॉमन एरिया से जो जुड़ा होता है वो कुसमायोजित, उसका पर्सनालिटी मेल एडजस्टेड होता है, उसका कंक्लूजन निकलता है कि वो मेल एडजस्टेड या कुसमायोजित है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी वॉज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दिया गया था, वो वीएनई साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने बताया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी इंफीरियरिटी को, अपनी इंफीरियरिटी को, और उसका जो व्यक्ति का मेन मोटिव होता है और बिहेवियर इस तरह से होता है उस व्यक्ति का कि वो अपनी सुपेरियरिटी को दिखाए और अपने पावर को दिखाए, सो दैट कि उसमें जो इंफीरियरिटी की भावना है उसे वो खत्म कर सके, अपनी इंफीरियरिटी को छिपाने के लिए वो अपना बिहेवियर, हमेशा उसका बिहेवियर इस तरह से हो कि वो अपने को अच्छा साबित कर सके, उच्च साबित कर सके, अपना पावर दिखा सके, ताकि वो अपने अंदर की इंफीरियरिटी को छिपा सके। तो इस साइकोलॉजी से जो व्यक्ति बिहेव करता है उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी नाम दिया है अल्फ्रेड एडलर ने, ये वियना के साइकोलॉजिस्ट थे। ओके, तो इसका आंसर होगा ए, एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following theories is most quantitatively measurable? इसमें से इनके दिए गए सिद्धांत में से किसके सिद्धांत को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं? तो ये हॉल का सिद्धांत है, हॉल के थ्योरी को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैल एडजस्टेड चिल्ड्रेन आर मोस्टली फाउंड इन, ऐसे बच्चे जिनको समायोजित जो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, वो जनरली ब्रोकन फैमिलीज या अकेले परिवार से आते हैं। उन्हें मतलब घर के तो लड़ाई झगड़ा या ये सब चीजों से वो समायोजित हो जाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं क्या सही है कौन गलत है, ये सब चीजों से उनकी पर्सन को वो समायोजित या मैल एडजस्टेड हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन इज सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन का थ्योरी क्या है? ट्रांसपोजिशन का थ्योरी ये बताता है कि लर्निंग भी होता है ना, एक सिचुएशन में जो हम सीखते हैं उसको हम दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। मतलब एक जगह की लर्निंग को दूसरी जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी को थॉर्नडाइक और वुडलैंड ने दिया, वुडवर्थ ने दिया था, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। एंड वुडवर्थ मिलकर ये थ्योरी दिए थे और उनका कहना था कि लेवल ऑफ ट्रेनिंग ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस एंड एनवायरनमेंट। मतलब उनका कहना है कि ये जो ट्रांसफर होता है लर्निंग का या ट्रेनिंग का, तो ये किस पर डिपेंड करता है कि सिमिलर परफॉर्मेंस हो दूसरी जगह भी और एनवायरनमेंट भी सेम हो। तो इसका आंसर है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन इज सिमिलर टू द लेवल ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ये दिया हुआ किसके द्वारा है? थॉर्नडाइक और वुडवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का फॉर्मल लेवल क्या होता है? फॉर्मल लेवल में है कि जब कॉन्सेप्ट किसी भी स्टूडेंट को अटेन हो जाता है, जब किसी भी व्यक्ति को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो नेम और एट्रीब्यूट दोनों चीज बता सकता है, तो उसको हम फॉर्मल लेवल कहते हैं। जैसे कि किसी को बता दिया गया कि ये रेप्टाइल है, ये मैमल है, तो अगर वो बच्चा रेप्टाइल को देखकर और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को बताता है और बताता है कि किस तरह वो मैमल से डिफरेंट है, तो इसका लर्निंग और उसका नाम भी बता देता है, तो इसे हम फॉर्मल लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। दूसरा है सेंसरी लेवल। सेंसरी लेवल में क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन जो होता है सेंस ऑर्गन से होता है, छूकर देखकर टेस्ट करके। और कॉन्क्रीट लेवल में क्या होता है? बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग, जिसमें कि वो कॉन्क्रीट चीजों को छूकर देखकर समझता है, एक जगह मतलब सेंस ऑर्गन से समझता है, एक जगह टच कर या ऑब्जेक्ट्स को देखकर और उनको छूकर समझता है। तो ये हाईएस्ट लेवल हुआ फॉर्मल की, जहां उसको समझा दिया गया तो दोनों रेप्टाइल और मैमल के एट्रीब्यूट्स को समझ गया और दोनों को देखकर वो डिफरेंशिएट कर सकता है और बता सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसे कहते हैं फॉर्मल लेवल को कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, इट इज की कौन सा एपेक्स बॉडी है टीचर एजुकेशन के लिए भारत में? यूजीसी नहीं है, MHRD नहीं है, NCT है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो हमारा आंसर है सी, NCT। इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चंस को देखा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, फ्रूटफुल हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।